अंडा दे रही है। अंडा वो देखो, वो देखो, अंडा दे रही है। बड़ा वाओ, ये अभी लेने वाली है। एक दो तीन पे देगी, एक दो, और ये पहला अंडा है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ये टाइम लगा रही है। ये बाकी देखें, देखने आगे दे दिया। वाओ, टर्की बर्ड ने अंडा दे दिया। बिल्कुल सही टाइम पे आए हम, और देखें हमारी टर्की बर्ड ने अपना पहला अंडा दे दिया। पीछे लगे हुए थे हम इसको काफी टाइम से, शाम से, कब अंडा देगी, इसके लिए थोड़ी भी लेके आए थे। तो ये देखें ताजा ताजा टर्की बर्ड का अंडा। अरे वाह यार, कैसा ये टिक टिक है ऊपर, देख रहे हो छोटे 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 छोटे, यही निशानी है इसकी। हाँ जी, अब इसको यहीं पे सिक्योर करना है या नहीं? नहीं, इसको इनक्यूबेटर मशीन में मैं रख दूंगा। अभी नहीं, चलानी तो नहीं है ना। अच्छा, ऐसे सेव करने के लिए वो जगह सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैंने सुबह वाला भी अंडा उधर ही रखा था। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। चलो यार, गुड न्यूज़ होगी फिर। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला अंडा दे दिया है, और बहुत जल्द तुम भी कुड़ खो जाना। अगर नहीं हुई तो हमारे पास इंक्यूबेटर मशीन भी है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये खुशी की बात है, हमारी टर्की बर्ड ने ना अंडा दे दिया है, काफी टाइम से इंतजार। खोलो सीतन इसको, मैं तुम्हें सुबह वाला अंडा दिखाता हूँ, इसमें और इसमें फर्क देखो। ये देखो, ये नॉर्मल अंडा लग रहा है, ये डक का लग रहा है मुझे तो। ये तो सुबह पता चल जाएगा, हमें कंफर्म हो जाएगा। डक्स को दोस्तों हमने अलहदा बंद कर दिया है, तो सुबह पता चल जाएगा। तो चलो यार, ये वाला ऊपर रख दो, ये वाला मैं नीचे रख रहा हूँ। चले तो यार, अभी भी हम सो रहे थे तो हमने देखे, लास्ट टाइम देख लिया हमारे सेफ्टी रूम में, और बाहर का क्या है, वो पिंजरा गिरा हुआ है और उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये कुछ पर... हाँ, ये डव बैठी है, है यार हमारी डव बैठी है यहाँ पर। एक काम करते हैं, अभी हमें जाना पड़ेगा दोबारा। तो जाना क्या, लाजमी है। चलो चलो, तुम सो रहे थे, चलो आ जाओ। चलो चलो। तो अभी दोस्तों मैं अकेला ही आया हूँ, सिप्टेन ने बोला भाई मुझे ठंड लग रही है तुम जाओ। सब परिंदे निकले हुए हैं, ओए बाकी सब ठीक। ओए 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 ओए, ये क्या हुआ यार, ये तो मरी हुई है एक फिंच। ये देखिए दोस्तों, ओए कैसे मरी है यार, ये इसको ब्लड है। ओह यार, इनकी वजह से हुआ है जो भी हुआ। ये देखिए, मैंने पिंजरा ना इधर रखा था, और ये टर्की बर्ड जिसने अंडा दिया है आज, उसने ये किया है सारा। आ जाओ तुम, आ जाओ। तो इनको अभी मैं इधर रख देता हूँ, ऊपर नहीं रखता, क्या पता यार फिर टर्की बर्ड आए और इनको गिरा दे नीचे, तो यहाँ पर सही रहेगा। अभी मैं सिप्टैन को जाके बताता हूँ कि यार ये हो गया आज। ओए ओए ओए, हेलो, कैसे हो, हैं कैसी रात गुजरी तुम्हारी, है ठीक हो? मैं डक्स को खोल लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या अंडा है इधर या नहीं। नहीं है यार अंडा, तो आ जाओ आ जाओ यार, हमारी डक्स बाहर ही नहीं आ रही, पैंथर से बहुत ज्यादा डर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, पैंथर को ना चेन के साथ में बांध देता हूँ। आ जाओ पैंथर, तुम्हें अब बांधे, आ जाओ, बस बहुत घूम लिया, आ जाओ। हो गया, पैंथर बंद हो गया है, अब हम सेफ्टी रूम को खोलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर तो कोई अंडा नहीं है ना। चलो चलो, शाबाश, यहाँ पर भी कोई अंडा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? सब परिंदों को दोस्तों मैंने बाहर रख दिया है, और फिंचेस का दाना खत्म हुआ पड़ा था, रात को पिंजरा गिरा था ना दोस्तों, तो सारा दाना भी नीचे गिर गया था। तो अब क्या करता हूँ मैं, फिंचेस के लिए इस एक बर्तन में कंगनी रख देता हूँ, ताकि हमारे फिंचेस खा लें। चलें जी, ये लें खा लें। तो बारी दोस्तों छत के परिंदों को खोलने की, और हमारी छत की हालत आप देखें बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है यार, बस मास्टर केज हमारा टूट जाए और फिर इंशाल्लाह हमारी छत भी प्यारी हो जाएगी, क्योंकि मास्टर केज की वजह से काफ़ी गंदगी है, मट्टी मट्टी हुई पड़ी है। फाउंटेन भी देखें दोस्तों हमारा कैसे हुआ पड़ा है, इसकी मोटर शोटर हमने इधर रखी हुई है, बहुत ही गंदगी मची हुई है। तो अब मैं दोस्तों कबूतरों को भी खोल देता हूँ, आ जाओ बिचन्स, आ जाओ बाहर बाहर आ जाओ, और मेरे ख्याल में आज इनका बच्चा भी निकला होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों अभी तक अंडे ही हैं, चलो चलो इंक्यूबेट करो।
ये देखो देख रहे हो बनाना, हम ये खिलाने वाले पैंथर को, वो देखो देखते हैं खाते नहीं खाते, आपको काट लेगा। ये रहो पैंथर साहब, देखते हैं यार एक कुत्ता कोई केला खाता कि नहीं खाता, ये तो खाएगा, कोई और खाए ना खाए, देखते हैं फिर भी। ओए केला खा गया सियान। मुझे दे दो मुंह वाला, मुझे खाने। पागल हो क्या? ये मजाक बहुत करते हैं आजकल। सर मैंने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमारा पैंथर केला खाता नहीं खाता, लेकिन इसने भाई खा लिया है, अच्छी बात है, बस छिलका नहीं खा रहा, ये इतना पता है इसको भी छिलका नहीं खाने का। आ जाओ ऊपर, आ जाओ सिप्तान, तुम भी जल्दी आओ। तो अभी दोस्तों क्या करना है, हमने मास्टर केज की छत को तोड़ देना है, ये सारी की सारी ना छत खत्म करनी है। हैं भाई ठीक है? ठीक हो गया। ये ले लो ना, ऊपर आ जाओ, मैंने काम करना है कोई। ऊपर अच्छा आ रहा हूँ। हाँ आज हर हाल में तुराब तोड़ देना चाहिए हमें, है ना? आज बिल्कुल, ये जाली भी हटा देनी है हमने। अच्छा, और फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में हमारा मास्टर केज बन जाएगा। आज भाई ये सारा काम हो जाने दे तुराब, ठीक है? बहुत जल्द हमारा मास्टर केज फिर से न्यू बन जाएगा, और इसको सत्यान जो सोचा हुआ है ना वैसा बनाना है। जख्म पे मारते हो तो दर्द ही होगा ना? ये देखें यार मेरा जख्म भी अब सही हो रहा है, और देखते पूरा ठीक नहीं होगा मैं कोई काम नहीं करूँ, ठीक है? तो आप मजे क्या करूं यार, मेरी मजबूरी है, मजा नहीं है। चलो चलो ठीक है, ठीक है। यार सिप्तान अब इनका क्या करें भाई, लाइट नहीं है, हीटर बंद है सुबह से, और पानी फुल बर्फ बना हुआ है, सिर्फ ठंडा नहीं है बर्फ बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ इनको ना इधर चिकन कोप में रख देते हैं फिलहाल, ठीक है? नहीं है कि वहाँ पर। हाँ यार अभी ठंडे हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं इनके साथ। चलो आज दोस्तों पता क्या है, आज पूरे पाकिस्तान में ना लाइट का इशू है, तकरीबन 90% इलाकों में ना लाइट नहीं है पाकिस्तान के, जो शहर है बड़े छोटे ना, सुबह से 7 बजे से गई हुई, अब रात होने वाली है, शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, अभी तक लाइट नहीं आई। तो चलो यार ये रख दो अंदर, चलो चलो रख दो। हाँ गुड। और यहाँ पर देखें दोस्तों हमारे मास्टर केज की छत सारी की सारी साफ हो चुकी है, बस थोड़ी सी रहती है, और अंदर का माहौल देखें। इधर और सिप्तान एक चीज दिखाओ, तुम्हें अंदर चले जाए। इधर आओ यार, बीज ले आओ कोई सब्जियों के। अच्छा। यहाँ पर मैं उगा देता हूँ, जब तक ये नहीं बनता ना हमारी सब्जियाँ हो जाएंगी यहाँ पे। इससे अंदाजा मुझे लगा सकता हूँ कि तुमने एक साल लगा देना है। नहीं, नहीं 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 नहीं, फिर नहीं ले आओ, ये बन जाएगा बहुत जल्द। यार मैंने वैसे ही कह दिया, यहाँ पर ऐसे ही फील आ रही थी कि जैसे बस खेत है और हल लगाओ है और बस बीज डालो और जल्दी से सब्जी हो जाए, बस ये थोड़ा सा टुकड़ा रहता है, और मैं यहाँ से भाग के जाता हूँ अब। आ जाओ। ये लो खा लो अपना खाना। यार ब्लैकी ज्यादातर गुम रहती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी कहीं, इसको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। जब इसको भूख लगती है तभी ये नीचे आती है, तभी ये नीचे आती है, तो मैंने कहा इसको खाना भी दे देता हूँ। और ये खाना ना पूरा मुश्किल खाए, थोड़ा सा खाती है फिर चली जाती है, थोड़ी देर बाद आती है खाली होता है, कोई जंगली बिल्ली यहाँ से आ जाती है और उसका ये खाना खा जाती है, तो इसको पूरा एक साथ खा लेने से ये नहीं खाती, ऐसा नहीं करती। तो यार अभी क्या हुआ है, ये मैं इसको सीधा कर रहा था, यानी कि साफ कर रहा था, ऐसे से कर रहा था, तो ये सारा टूट गया, जहाँ से खाना नहीं खाती थी हमारी डग्स वगैरह, तो ये अभी मेरे से टूट गया है। अब पता नहीं तो आप मेरे साथ क्या करते हैं, वो कहेगा तुमने तोड़ा है और तुम लापरवाह हो, तुम ये हो तुम वो हो, तुमसे क्यों टूटा है? अब मैं क्या करूँ यार, मैंने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, मैंने पता क्या किया, इसको यहाँ से निकाला है, मैंने कहा अंदर जो मट्टी वगैरह ना साफ करूँ, फिर मैंने ना ऐसे किया थोड़ा सा, ऐसे जो किया ना वो टूट गया। फिर एक और पड़ा है यहाँ पर, इसका साइज भी मेरे ख्याल में वही है, इससे काम हो सकता है मेरा। ये यहाँ से आ गया, बस यहाँ से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, तो वो मैं काट दूंगा, लेकिन अभी इनको ऐसे ही दे देता हूँ। एक मिनट। तो अभी भी मैंने क्या किया यार, इस पूरे ना मट्टी के बर्तन में मैं लेके आ गया हूँ दाना, क्योंकि यार रोज रोज लाने में ना मसला होता था, तो एक दो दिन ये निकाल लेगा। चलो आ जाओ खा लो सारे, मैं जा रहा हूँ। तो यार काफी टाइम हो गया इसमें लगे हुए हैं, मैं नहीं लगा हुआ, ये भाई साहब दोनों लगे हुए हैं, तो पता नहीं कब तक होगा, अगर मैं इनकी जगह होता ना अभी तक काम हो चुका होता। क्यों खराब, ऐसे ही है ना? जी जरूर। हाँ तुम ऐसे ही लगे हुए हो, काम आता नहीं है। मैं आऊँ दो मिनट, तुम आ जाओ इधर साइड पे। नहीं, नहीं, जाओ तुम करो। यार मुझे लगता है मुझे बिल्ले का ना शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे काटा है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ हर हफ्ते मुझे कोई ना कोई बिल्ला कुत्ता काटे, और मैं ऐसे बस सिर्फ वीडियो बनाता रहूं और ये काम करता रहे, कैसा अच्छा आइडिया ना? तो आप नहीं,
बहुत अच्छा आइडिया यार। ओए होए मैं भी यार आगे जा रहा हूँ, मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। आराम से जाओ और इसको फोल्ड करना है, तुम उधर से करो मैं यहाँ से करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही है। तो यार यहाँ पर सीढ़ी लाए हम, बाकी की जो जाली बचती है ना वो भी हम कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे मास्टर केज की जाली ना उतर चुकी है और ये पड़ी हुई है, और यहाँ पर देखें सारी की सारी जो मट्टी थी ना वो भाई उठा रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, अब रात भी होने वाली है, सारा दिन ना हमारा इसी मास्टर केज की जाली को उतारने में, मट्टी को गिराने में लग गया। और हमने सब परिंदे बंद भी कर लिए हैं, रैबिट्स अपने घर में चले गए हैं, मुर्गियाँ अपने घर में चली गई हैं, और कबूतर भी अपने घर में चले गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ईगल ईगल ये लो ये लो ये लो ये लो भाई, क्या हो गया? तुराब तुराब यार इन चकोरों को बंद नहीं किया तुराब, जल्दी करो, ऐसे बिल्ली ले जाती इनको रात को। पकड़ो इसको आराम से। हाँ जा रहा हूँ, छोड़ दो, चलो छोड़ दो अंदर। दोनों पकड़ लिए भाई, दोनों पकड़ लिए।